हेलो, आप लोगों को सब सब बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज आए हैं उड़ीसा के जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मतलब श्री गोरखनाथ क्षेत्र के धाम से प्रसिद्ध है। इधर बहुत चीज़ देखने को आप लोगों को मिलेगा। मेरे साथ वीडियो में बने रहे। ये मंदिर बहुत पुराना है, इसको अभी नया नया मतलब काम हुआ है। मंदिर पहले बहुत पुराना है, उसका हिस्ट्री है। मंदिर में बहुत बहुत मतलब देखने का चीज़ें है। और मंदिर में जैसे कलाकृति हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे कैसे लग रहा है। बहुत पुराने ज़माने का मंदिर है। इधर जिसको सांप काटता है या जिसको मतलब बोलते हैं जैसे जहर वाला, जो मतलब जो विषैला, जैसे कि विषैला सांप काटता है, तो सब लोग पुराने ज़माने में लेके आते थे भगवान के पास, उसको सुला देते हैं। और उसके ऊपर मतलब जो विधि विधान के हिसाब से पानी 101 बाल्टी उसको ऊपर डालते हैं, और विभूति वो भगवान का देते हैं, वो मतलब सही हो जाता है। बहुत पुराने ज़माने का मतलब कहावत है। अभी तो ये सब नहीं चल रहा है प्रचलित, मगर भगवान का अभी भी नाम है। बहुत सारे लोग आते हैं, खास करके कार्तिक के महीने में बहुत सारे लोग आते हैं और भगवान का दर्शन करके जाते हैं। माना जाता है कि वो शिव शंभू शंभू मतलब महादेव की अवतार है, और बहुत प्रसिद्ध जगह है। आप लोगों को कभी मौका मिलेगा तो, टाइम मिलेगा तो आके थोड़ा घूम के जाइए। अच्छा जगह है घूमने के लिए भी। बहुत मतलब बरगद का पेड़ है, और बहुत पुराना ज़माने का चीज़ भी बहुत इधर है देखने के लिए और घूमने के लिए। भगवान के दर्शन में भी मिलेगा, प्रसाद भी इधर खा सकते हो आप लोग। और देखने के लिए बहुत सारे जगह है। देखिए कितना पुराना पेड़ है, मतलब उसका जट्टा नीचे आके और एक पेड़ मतलब उससे फिर वो उग रहा है। और देखने के लिए भी मतलब वीडियो में जितना दिखा पा रहा हूँ उतना दिखा रहा हूँ। और आके बहुत मज़ा लगा इधर। मैं सोचा क्या मतलब आपके लिए भी थोड़ा कुछ वीडियो बना लेंगे दिखाने के लिए। और हम लोग अभी जा रहे हैं, थोड़ा घूम रहे हैं मंदिर के चारों तरफ, देख रहे हैं क्या क्या सब है, मतलब मंदिर का कैसा व्यू है, रोड मंदिर में क्या स्टैंड के क्या नीचे मतलब ड्राइवर दुकान है, क्या क्या आने चले था ना मिलता वीडियो है, बने और कैसे कैसे लोग सब आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और बहुत सारे चीज़ें आप लोगों को वीडियो में दिखा रहे हैं। देखिए मतलब हमको भी थोड़ा प्रोत्साहित करिए ऐसे, हम और आगे आगे वीडियो बनाते चले गए, हमको भी थोड़ा हिम्मत मिलेगा कि नहीं, हमको भाई हमारा भाई लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और इतने सारे मतलब धागा पेड़ पे बांधे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इसका कॉमन न थे वो बांध के गया है, पूरा होगा तो फिर आके भगवान को मतलब जिसका जो को सच चढ़ाने का मन हो, जो भी मन हो वो करके जाते हैं। इधर से भी सब कुछ मतलब जो मांगते हैं वो मिलता है बोलते हैं सब लोग। आप लोगों भी एक बार आके ट्राई करिए, इधर जरूर पूरा ही होगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि भगवान विश्वास के ऊपर भरोसा करते हैं। आप लोगों को भी जरूर आना चाहिए मंदिर में। मतलब वीडियो बनाने का अलाव नहीं है, मगर मैं थोड़ा भीड़ है इसलिए धीरे से बना लेता हूँ। इधर का मतलब लैंग्वेज प्रॉपर उड़िया है, आप लोगों को भी सुनाई देगा, मैं मतलब हिंदी में बोल रहा हूँ। और मंदिर में अभी थोड़ा भीड़ है, भगवान को आपको दिखाऊंगा। कुछ थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं मंदिर के ऊपर ऊपर क्या है सब, कैसे कलाकृति बना है मंदिर के चारों तरफ, और क्या क्या है सब मंदिर, कैसे डिजाइन में बना है, और सब कितने सारे लोग आए हैं, कार्तिक का महीना है, और बहुत सारे मतलब छोटा छोटा बच्चा भी आए हैं सब, और कितने सारे कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, कितना भीड़ में भी भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं सब लोग। और भगवान
भगवान के अभी दर्शन करेंगे, थोड़ा सा मतलब भगवान का दर्शन हो जाएगा तो आज दिन अच्छा चले। प्रभु ये भगवान, भगवान को देखिए, प्रभु गोरखनाथ, गोरखनाथ नाम से प्रसिद्ध है भगवान, इनको देखिए थोड़ा। ऊपर में भी थोड़ा अच्छा अच्छा मतलब डिजाइन में बनाया और आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी सही है, अच्छा बना रहा, अच्छा बना मतलब अच्छा मंदिर का कलाकृति अच्छा अच्छे से बना गया है। और इसे बंदर बैठे हैं सब, मतलब जो भोग बनते हैं ना इसको सब खाते हैं, वो चुड़ा चुड़ा के सबके सब। कितने सब मतलब दुनिया में घूमने के लिए कितने भी अच्छा जगह है, मगर टाइम निकल के थोड़ा घूमना चाहिए। बहुत सारे मतलब इंडिया में कितने कितना छोटा शहर में आपको पुराना मतलब पुराने बहुत सारे मछलियाँ हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये मछली को नहीं पकड़ते ही, ये ऐसे सालों साल ऐसे ही इधर ही है। कछुआ भी बहुत तैर रहा है उधर, मतलब बहुत सारे मछली है, मतलब ये मछली को कोई भी नहीं पकड़ता है, अलाव नहीं है मंदिर में। जो प्रसाद बनता है और जो बचता है उसको मतलब तालाब में फेंकते हैं, वो मछली सब खा के इधर ही रहते हैं। और मछली भी बहुत भी, मतलब कैमरा में सही से नहीं दिख रहा है, वो थोड़ा सूरज के रश्मि पड़ रहा है, रोशनी पड़ रहा है, नहीं तो बहुत सारे मछलियां है वो, मतलब आप देख पा रहे होंगे कितने सारे मछलियां है, देख रहे हैं ना, बहुत सारे मछलियां है। और लोग भी आते हैं इधर से, मछली को खाना देते हैं और वीडियो भी बनाते हैं, और बहुत बोलते हैं कि मतलब तालाब के अंदर एक बहुत बड़ा मछली है, जो मतलब मम्मी मछली बोलते हैं ना वही।